गोरखपुर में प्लास्टिक और चाइनीज राखियों से पटा बाजार इस बार इको फ्रेंडली टेराकोटा राखियों से सजा नजर आएगा। यूपी सरकार की पहल पर एक जिला एक उत्पाद में शामिल टेराकोटा शिल्पकारों के पास पारंपरिक टेराकोटा उत्पादों की भारी मांग आ रही है। गोरखपुर की रहने वाली डॉक्टर भावना सिंघल ने इसे नया रूप दिया है। नवाचार की कड़ी में उन्होंने डिजाइन देकर टेराकोटा शिल्पकारों से रंग बिरंगी और बच्चों के पसंद के डोरेमोन और मोटू पतलू सरीखे अनेक किरदारों के चित्रांकन के साथ राखियों की प्रदर्शनी लगाई है। टेराकोटा की इको फ्रेंडली राखियों को लेकर वो काफी संजीदा हैं। शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने के साथ ही वो टेराकोटा को अलग रूप में पहचान देना चाहती हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेराकोटा मिट्टी को राखी का रूप देने वाली डॉक्टर भावना के कदम को सराहा था। गोरखपुर के पार्क रोड स्थित एक होटल में डॉक्टर भावना सिंघल ने टेराकोटा से बनी राखियों की प्रदर्शनी लगाई है। टेराकोटा यानी मिट्टी से बने उत्पाद, हालांकि वो कहती हैं कि गोरखपुर के औरंगाबाद के शिल्पकारों ने मिट्टी से बने टेराकोटा शिल्प को देश और दुनिया में पहचान दी। हालांकि बाजार नहीं मिलने और उनके शिल्प के अच्छे दाम नहीं मिलने से वो महज उसे जीवन यापन तक ही सीमित रख सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में भाजपा की यूपी में सरकार बनने के बाद टेराकोटा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में अलग पहचान मिली। इसके साथ ही शिल्पकारों को बड़ा बाजार भी मिला। गोरखपुर के पार्क रोड पर सिटी रिगालिया अपार्टमेंट के रहने वाले मयंक अग्रवाल की पत्नी भावना मूलतः दिल्ली के रहने वाली हैं। हालांकि शादी के बाद वो गोरखपुर सेटल हो गई हैं। इला अर्थ दंड आर्ट के ब्रांड के तहत अनेक स्वदेशी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली डॉक्टर भावना पेशे से चिकित्सक हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने टेराकोटा के हाथी घोड़ा सरीखे पारंपरिक उत्पादों से थोड़ा अलग हटकर पहचान देने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि बाजार चाइनीज और प्लास्टिक की राखियों से पटा हुआ है। वो उनकी इस पहल को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सरकार की तरफ से ब्रांडिंग का दायरा ग्लोबल हुआ तो इस पारंपरिक शिल्प में नवाचार की झड़ी लग गई है। टेराकोटा के परंपरागत उत्पाद बाजारों में धूम मचा रहे हैं, तो अब मिट्टी की ज्वेलरी के बाद भाइयों की कलाइयों पर सजाने को टेराकोटा की राखियां भी तैयार हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावना जी। दरअसल इस बार इन्होंने इस रक्षाबंधन को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सोचा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इस बार रक्षाबंधन में। जी, मेरा नाम डॉक्टर भावना अग्रवाल है और हम औरंगाबाद बुल्हरिया में हर साल जाते हैं आम की बगिया में। तो आत्मनिर्भर भारत का सपना तो हमेशा से रहा है कि कुछ करना है, पर इस बार जब खुद से अपनी आंखों से देखा कि ये लोग कैसे मेहनत से काम कर रहे हैं, तो ये विचार आया कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी और बढ़ा के कुछ किया जाए। वहीं मेरी भेंट मेरी एक दोस्त अनुनंदा से हुई, वो भी एक डिज़ाइनर है। तो हम लोगों ने मिल के ये इनिशिएटिव लिया कि एक खूबसूरत राखियाँ वहाँ के जो वुमेन जो वहाँ पे औरतें जो आर्टिसांस हैं जो टेराकोटा का काम करती हैं उन लोगों से बनवाई, तो इससे उन लोगों का भी रोज़गार बढ़ा, उन लोगों को भी काम करने का और मौका मिला। तो फिलहाल टेराकोटा से बने उत्पाद को एक नया आयाम मिलने जा रहा है डॉक्टर भावना के द्वारा। गोरखपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।